हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और इस समय सबसे बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन आप देख सकते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई ईवीएम के खिलाफ यहां पर आंदोलन करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आखिर ईवीएम देश से क्यों हटना चाहिए, पूरा देश ये पूछना चाहता है, जानना चाहता है। बताइए ईवीएम क्यों हटना चाहिए? ईवीएम सर, जो हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं ईवीएम जिन देशों ने बनाई है वो देश ईवीएम से ईवीएम को बंद कर चुके हैं। क्योंकि आज आप यहाँ पर बैठे हो, अगर आपका भाई कोई मुंबई में है, दो मिनट में मैसेज करके उसको वहाँ पैसे पहुँचा देते हो और वो आपको पैसे पहुँचा देता है। कोई वीडियो है वो आ जाती है हमारे पूरे, तो ईवीएम को कहीं भी हैक किया जा सकता है। अभी चुनाव हुए थे, एक पर्सन ये कह रहे थे कि भैया हमें जो हमारा वोट हम ही को नहीं मिला, हमारे परिवार को वोट नहीं मिला, कम से कम जो व्यक्ति खड़ा है उसका तो उसको वोट जाना चाहिए, उसका भी नहीं मिला। तो ईवीएम कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ध्वस्त करने का एक रास्ता बनाया है। ठीक है, ईवीएम या बैलेट? और सर, इसमें सर हमने एक मिनट, ये हमने पूरा ज्ञापन दिया हुआ है। किसको दिया? ये हमने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है और चुनाव आयोग को दिया है। हमने ऐसे 10 लोगों को दिया है, SC आयोग को, ST आयोग को, पिछड़ा वर्ग आयोग को, सबको दिया है हमने दिया है। और हमारी डिमांड है सबसे पहले आप देखिए, ये हमने दिया है एक डिमांड बताइए जो सबसे वो अव्वल, जो ईवीएम है सबसे पहले ईवीएम बंद कराई जाए और जहाँ पर भी हमारे चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। ठीक है भैया, आप बताओ बैलेट या ईवीएम? सर बैलेट पेपर आना चाहिए क्योंकि हमें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। 10 सालों से गरीब हम खुद इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। 2019 देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने चुनी थी और इन लोगों ने विधायक खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बिठा दी और अब फिर ये भाजपा पूर्ण बहुमत से कैसे आ सकती है? आपने कहा आप किसी पार्टी से नहीं हो, फिर आपने कहा हमने कांग्रेस की सरकार बनाई। सर हम देश के हित की बात कर रहे हैं, जो हम पहले बैलेट पेपर में हमारी शिकायत भी अगर चुनाव आयोग को, हम देखिए हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं, हमने पहले ही कह दिया हम किसी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता। ईवीएम क्यों हटना चाहिए बताओ? सर हमें इस पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है सर इस पे। जो विश्वास नहीं, इस पर वो हट जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाना चाहिए सर। हमें तो सरकार पर भी संदेह हो रहा है क्योंकि ये इनको इतना प्रेम क्यों है ईवीएम से? अगर सारा देश इसका विरोध कर रहा है तो क्यों नहीं हटाते इसको? इसको इनको हटा देना चाहिए। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से हैं सर। आप बताओ मैम कहाँ से आई हैं, क्या नाम है और ईवीएम क्यों हटना चाहिए, क्या बैलेट आएगा? मेरा नाम उषा किरण है, हम जिला बरेली से आए हैं। और ईवीएम हटना इसलिए चाहिए, जो हमारे पहले चुनाव होते थे बैलेट पेपर से तो निष्पक्ष चुनाव होते थे और आम जनता के सहमति से चुनाव मतलब जीते जाते थे। लेकिन अब ईवीएम जब है, अभी जो चुनाव हुए हैं 4-5 राज्यों में, तो जब कर्मचारी ड्यूटी पे जाता है तो उसका वोट पहले पड़ जाता है। तो जब कर्मचारियों का वोट पड़ा था और जब तक वो खुला तब तक सारे सब चिल्ला रहे थे कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही। जैसे ही वो गिनती ख़त्म हुई और ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो भाजपा इतने आगे आ गई कि कांग्रेस, यानी अगर कांग्रेस आती तो ईवीएम में हैकिंग धांधली नहीं होती आपके? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा निष्पक्ष चुनाव, तो जैसे अब हम तो ये मतलब कोई उनसे तो कह के नहीं आया कि आप कांग्रेस को वोट दो या आप इसको वोट दो या आप उसको, परेशान जब कोई आम पब्लिक परेशान होगी तो वो किसी ना किसी को तो चुनेगी। तो जब वो ख़त्म हुई और ईवीएम का जब गिनती शुरू हुई तो हर जगह भाजपा आई, तो ऐसी उसमें क्या गड़बड़ी है, ऐसी कोई क्या चीज़ है जो उसको फिट कर दिया जाता है और सारे वोट एक तरफा चले जाते हैं? ठीक है, तो आप ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर लाओ और देश बचाओ। आप बताइए मैडम। ईवीएम के पक्ष में हम नहीं है, निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं जो कि बैलेट पेपर से हो सकता है। और अगर ईवीएम से भी हो तो हमें पर्ची मिलनी चाहिए कि हमने जिस पे वोट डाला है कि हमारा वहीं पे गया है या नहीं। तो पर्ची दिखती तो है 7 सेकंड के नहीं लिए? नहीं दिखती है 7 सेकंड के लिए, कौन ध्यान देता है वहाँ? हमारे हाथ में आनी चाहिए। और जब विदेशों में ईवीएम का यूज़ नहीं होता है तो आखिर भारत में क्यों हो रहा है? इसीलिए आप बताओ ये कहाँ से आए आप? सर मैं जिला कासगंज
उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं ये जो सरकार है ये कहते हैं कि हम गरीबों के साथ ये कर रहे हैं, आवास बांट रहे हैं, किसी को राशन दे रहे हैं, ये सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। मेरे पास इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं दरोगा से लेके SHO, CEO, कप्तान, DM, ADM, योगी जी नहीं कहा जा रहा है, किसी के पास गया हूँ। मेरे पास दो दो हाई कोर्ट के ऑर्डर रखे हैं। मेरे क्या ऑर्डर है? मेरी हमारे मतलब गांव में हमारे पास ज़मीन कुछ नहीं है, केवल एक कच्चा घर है। तो मेरी माँ को आवास अलाउट हुआ था, वो आवास प्रधान ने, सेक्रेटरी ने, BDO ने खा लिया, शौचालय भी खा लिया और कुछ भी नहीं दिया। हमने शिकायत की तो शिकायत करते करते हमको बस दौड़ा रहे हैं 3 साल से। नहीं, आप EVM के खिलाफ क्यों, पहले तो ये बताइए। EVM के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार धांधली करके जीत जाती है और इस सरकार में ना रोज़गार है, ठीक है, गरीब आदमी परेशान है। हम ये सरकार चाहते नहीं हैं और ये जीत रहे हैं EVM के ज़रिए। हम चाहते हैं कि ये सरकार हट जाए। और मोदी जी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सबसे बड़े झूठे आदमी हैं, उनसे ज्यादा कोई झूठ नहीं बोलता। मोदी जी झूठे हैं क्या? और मैं एक बात, मोदी जी झूठे हैं? मोदी जी केवल जुबले सुनाते हैं, जुबलों के अलावा मोदी जी के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, 500 साल में जो नहीं कर पाए वो करके दिखाया। राम मंदिर जरूर बनाया, राम मंदिर से भिखारी पैदा किए हैं, राम मंदिर से भिखारी। एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट तो भेज दिए, एयरपोर्ट तो भेज दिए, बन कहाँ से गए? एयरपोर्ट जो हमारी पुश्तानी है, लाल किला बिक गया है, एयरपोर्ट बिक गया है, रेल बिक गई, क्या क्या नहीं बिक गया है। और कौन सा काफी निराश लग रही हैं? बिल्कुल निराश है, बिल्कुल हम निराश हैं। और राम मंदिर की, जिस राम मंदिर की आप बात करते हो, राम मंदिर में तो भिखारी पैदा किए हैं कि वहाँ पे भिखारी बैठेंगे बाबा। हिंदू लोग खुश हैं? हिंदू लोग जो हिंदू हैं, मैं हिंदू तो हूँ, हम हिंदू नहीं मानते। मैं हिंदू हूँ, मेरी हालत देखिए, मेरे घर पे आई कोई। आप राम मंदिर से खुश नहीं हो? क्यों, राम मंदिर से खुश क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि राम मंदिर से खुश होंगे तो मतलब हमारे परिवार को, गरीबों को मतलब ख़त्म कर दोगे? मतलब राम मंदिर बना दिया तो उसका मतलब ये है कि मोदी जी पूरी जनता को ही खत्म कर, हाँ खत्म करे, 80 करोड़ लोगों को अनाज। मेरे घर पे आइए, घर पे आइए, सारी सच्चाई दिखाता हूँ मीडिया वालों को। मैं बुला रहा हूँ लखनऊ में। कहाँ से हैं? हम बरेली से हैं भैया। लखनऊ में अभी 70 साल से जो लोग रह रहे थे, योगी सरकार, योगी जी कह रहे थे कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या कुछ भी, लेकिन हम उसके लिए वहीं पट्टे देंगे। तो उन्होंने देने के लिए तो जो 70 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं उनके मकान खसा दिए, साथ में उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया। तो बताओ उनकी क्या कंडीशन होगी इस सरकार में? हम EVM, लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो आम जनता के पक्ष में होना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी भागीदारी है। लोकतंत्र उसे कहते हैं जो जनता के हितों की रक्षा करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया, कहा EVM सुरक्षित है, EVM पर संदेह करना बेवकूफी है। विदेशों में कोई चुनाव आयोग को भी मोदी ने कैप्चर कर रखा है, चुनाव आयोग को भी मोदी ने कैप्चर कर रखा है। कैसे 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 भाई, देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो थे, उसमें जो समिति बनाई गई थी उस चुनाव आयोग को चुनने के लिए, उनको बाहर निकाल दिया, बंद लिफाफा दे रहे थे उनको, बंद लिफाफा दे रहे थे, उनने लेने से मना कर दिया, तो उनको समिति से बाहर निकाल दिया। अपने मनमाफिक अपने राज्यसभा के, लोकसभा के दो लोग रख लिए, और पक्ष विपक्ष का कोई था ही नहीं, अपने मनमाफिक चुनाव आयोग चुन लिया। चुनाव होता था तो कहीं ना कहीं दूसरी सरकारों की भी सीटें निकलती थी, इस सरकार में तो भाजपा के सिवाय किसी की सीट नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये भाजपा के सिवाय EVM से किसी और को वोट जा ही नहीं रहा। हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि हमने किसे वोट दिया है, तो हमारे पास आप बताओ भैया कहाँ से? मैं UP बलिया से हूँ सर जी। बलिया से आए, इतने दूर से यहाँ चले, दिल्ली आ गए? हाँ सर। क्यों आ गए भैया? EVM हटाना है, देश बचाना है। कैसे हटेगी EVM? हटेगी, अब संघर्ष करेंगे तभी हटेगा, ऐसा नहीं हटेगा ना सर जी। यानी जनता अब सड़क पे आ रही है? आ रही है सर जी, सबको रोड पे ला दिया है, ऐसा मोदी है, किसी को नहीं छोड़ा, सबको रोड पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसा माहौल समझ गया, आदमी अपने आप हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दिल्ली से आवाज उठ चुकी है, अब लोग जागना शुरू कर चुके हैं, लोग कह रहे हैं 21 सूर में EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं EVM में बैलेट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।